हेलो हिप हॉप लवर्स, एमिवे बंटा की पब्लिक और के आर डॉलर साइन, मालूम है ना कृष्णा की आवाम क्या हालचाल। तो जैसे कि मैंने बोला था, रात के टाइम पे मैं रिएक्शन वीडियो अपलोड करूंगा कृष्णा और एमिवे बंटा की कोलैबोरेशन का। गाना हर कोई सुन चुका है, 2 से 2.5 साल पहले गाना आया था, गाने का नाम था मुंबई से दिल्ली तक। तो यार गाना अच्छा था, बेहतरीन था, लेकिन उस वक्त जिन लोगों ने गाना सुना होगा उनको भी आज के टाइम पे नहीं पता होगा कि यार एक दूसरे के इतने कट्टर वाले दुश्मन हो सकते हैं। हिप हॉप सीन के अंदर तो भाई एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं ये लोग। बट हाँ, जब ये गाने इन्होंने रिकॉर्ड किया होगा, ये गाने के वीडियोग्राफी में एक साथ एक फ्रेम में आए होंगे, तो उस वक्त तो यार लंच टाइम में या फिर रेस्ट टाइम में इन्होंने बोला तो होगा कि यार हम बैच रैप सीन की मार्च हो देंगे, ये करेंगे वो करेंगे एक साथ मिलके। लेकिन अभी देख लो क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो भाई दोनों दोस्त, शायद रफ्तार भाई की वजह से ये लोग दोस्त बने हो, या दोस्त बने हो, या फिर रफ्तार भाई ने क्या पता इनका कोलैबोरेशन कराया हो, लेकिन आज के टाइम पे भाई उतने ही खतरनाक वाले एक दूसरे के राइवल बन चुके हैं। तो फिलहाल गाना सुनेंगे और गाने के जो लिरिक्स हैं आज के टाइम पे आप मैच करेंगे ना, तो आप कहेंगे हाँ यार बंदे ने जो है आज के टाइम की जो सिचुएशन है उस हिसाब से कहने के लिरिक्स लिखे हुए हैं। तो फिलहाल गाना है, गाने को सुनेंगे, गाने का वो रिएक्शन नहीं निकल पाएगा, लेकिन हाँ गाने को सुनेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोनों बेस्ट रैपर है और दोनों ने हिप हॉप सीन को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हैं। तो गाना सुनेंगे और फिर बात करेंगे गाने के बारे में। तो लेट्स गो। कहाँ से हो भाई? यार रहता तो मुंबई में हूँ, पर हूँ दिल्ली से। अच्छा। भाई 50% मुंबई के लोगों का यही सीन है। भाई कुछ गाने वाने बजा दो यार। हाँ। मैं हूँ दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोंस, और अभी आप सुन रहे हैं 107। राज जोंस आ गए यहाँ पे भी। यहाँ पे मैं क्यों पॉज किया, क्योंकि आप सबको मालूम है भाई राज जोंस जहाँ बीच में आता है तो वहाँ समझ लो कि भाई वो दीवार वहाँ से अलग हो जाती है, ये बंदा अलग हो जाता है, ये बंदा अलग हो जाता है। अक्सर हमने इंटरव्यूज में सुना है हमारे बीफ प्रोड्यूसर है राज जोंस, और हिप हॉप को ग्रोथ करने में बहुत बड़ा हाथ इनका भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब बीफ आता है तो हिप हॉप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्रोथ हो जाता है, और वो बीफ किसी वजह से होता है हमारे वन एंड वन ओनली राज जोंस के। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। बीफ प्रोड्यूसर यार सही है। भाई कुछ गाने वाने बजा दो यार। मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोंस, और अभी आप सुन रहे हैं 107.1 FM। एंड अभी आपके लिए आ रहा है द ब्रांड न्यू G4 सॉन्ग ऑफ एमिवे एंड कृष्णा, मुंबई से दिल्ली तक। तो यार कान चिपका के सुनो इस ब्रांड न्यू ट्रैक को सिर्फ और सिर्फ 107.1 FM पे विथ मी दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोंस। ओके वीडियो बाय, अच्छा प्रोडक्शन भी है, लेबल। हाँ भाई मासूमियत देखो, पहले सबसे पहले मासूमियत की बात करूँ, कृष्णा का चेहरा देखो कितना गौ आदमी लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। कभी कोई सोच सकता था कि ये वो रैपर है जो 2020 में आके सबकी फाड़ के रख देगा, और वो है ये कृष्णा, और साथ में एमिवे बंटा है। एमिवे बंटा है भाई, कैसा लग रहा है देख लो। एमिवे बंटा है को भी भाई कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि भाई आज के टाइम पे सबसे हिट जो रैपर है, जिसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है और जब सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिसके गाने पे आते हैं वो भाई हमारा एमिवे बंटा है। 1 घंटे के अंदर इतने सारे लाइक्स और व्यूज़ आ जाते हैं। इस टाइम पे कोई अगर देख रहा होगा ना तो वो कहेगा यार ये कैसे कैसे बंदे हैं, और आज के टाइम पे कोई देखेगा तो कहेगा भाई यही वो बंदे हैं जो सुपर डुपर हिट है। मासूमियत देखो भाई कितनी मासूमियत है, कृष्णा को खासकर देखो, गोरा चिट्टा सफ़ेद आदमी, शुद्ध आदमी। चलते गाने मेरे मुंबई से दिल्ली तक, साथ यार मेरे मुंबई से दिल्ली तक, करते काम बेटा मुंबई से दिल्ली तक, बोलते नाम मेरा मुंबई से दिल्ली तक। चलते गाने मेरे मुंबई से दिल्ली तक, साथ यार मेरे मुंबई से दिल्ली, साथ दिया है मेरा मुंबई से दिल्ली तक, साथ दिया है। मैं किसकी तरफ उंगली कर रहा है? एमिवे बंटा की तरफ। अगर भाई कृष्णा अगर ऐसे थोड़ा वो हुआ ना, टाइम का वापस गैपिंग पे गया ना, पीछे पास्ट में गया, और यहाँ पे कृष्णा जब अपने आप को ये गाना देख रहा होगा, और यहाँ पे एमिवे बंटा अपना गाना देख रहा होगा, यही लोकेशन पे ही शूट चल रहा है, और टाइम ट्रैवल हुआ हो और पास्ट में चले गए तो कहेंगे यार हम दोनों क्या चुतियाबंदी कर रहे हैं यार, आपस में पहले अच्छा प्यार था और आपस में अलग हो गया है। अब यहाँ पे कोई गाना सुनेगा ना जो खासकर, और पहले तो भाई पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी कि मैं जो इस गाने को हिट कर लाइक करूं या मैं जो डिसलाइक करूं। कृष्णा का फैन भी कंफ्यूज है, एमिवे का फैन भी कंफ्यूज है, इसको करे तो करे क्या। बट यार ये गाना था ना यार कोलैबोरेशन ऐसा है कि जो आप मेरे को लग रहा है कभी लाइफ में आएगा ही नहीं, इसलिए अभी अच्छे से एंजॉय कर रहा हूं, किसी के लिए कोई हेट नहीं है। मुंबई से दिल्ली तक, करते काम बेटा मुंबई से दिल्ली तक, बोलते नाम मेरा मुंबई से दिल्ली तक, चलते गाने मेरे मुंबई से दिल्ली तक,
सात यार मेरे मुंबई से दिल्ली तक, करते काम बेटा मुंबई से दिल्ली तक, बोलते नाम मेरा मुंबई से दिल्ली तक। मैं मुंबई से दिल्ली तक, मुंबई का संजय दत्त मैं, क्योंकि वास्तव है गाने सारे मेरे, सारे गाने मेरे भरे पड़े सच्चाई से, खोटा करना नहीं क्योंकि मला घर माही थे काय, बच के संभल के ना हल्के में लेना मुझे तुम जैसे कल के, आंखों में झलके के मल के तू आया यहाँ पे, जो भी मैंने किया छोटे किया खुद के बल पे। ये कह रहे जो भी मैंने किया खुद के बल पे, वहां कृष्णा ही दिखा रहे हैं। अगर अभी के टाइम पे अगर देखो इसको ना ऐसे देखे तो बड़ा मजा आएगा कि यार अभी भी ये राइवल है एक दूसरे के, और अभी के टाइम में देखो कह रहे जो भी किया है मैंने खुद के दम पे किया है, और वो कह रहे घंटा तूने खुद के दम पे किया है। मतलब भाई देखो किसी के लिए कोई हिट नहीं है, बट मेरे को गाने को एंजॉय करना था, इसके लिए ये मैं ये रिकॉर्ड करा और आप लोगों को प्रेजेंट करा ताकि आप भी अभी के टाइम पे इसको कंपेयर करें तो आपको भी बहुत मजा आने वाला है। मासूमियत देखो भाई, मासूमियत देखो दोनों के चेहरे पे, लग रहा था कि ये ऐसा सीन करेंगे आज के टाइम पे। वाह यार वाह यार, ये देखो स्वैग भाई तो गाने के अंदर लेकिन पूरा है। बच के संभल के ना हल्के में लेना मुझे तुम जैसे कल के, आंखों में झलके के मल के तू आया यहाँ पे, जो भी मैंने किया छोटे किया खुद के बल पे, साइड से चल दे मैं मुंबई का बंटा, बातें नहीं भाई मेरे आपको उगलता, बेटी है जनता छोटे मुंबई से दिल्ली तक, पास करूं अंटा मेरा मुंबई से दिल्ली तक, चल फटाफट सुन के हो कमती, ये बात नहीं भाई मैंने दिया तुझे धमकी, डर के चल या चल के डर, सिर्फ इतने बार्स मेरे करे छोटे हाफ मर्डर। हाँ ब्रदर, हाथ भी मिला रहे हैं और अभी इसके बाद गले भी मिलाएंगे। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि टाइम ट्रैवल हो जाए पास्ट में, और जब ये खड़े होके गाने दिख रहे होंगे तो कहेंगे यार वैसे मैंने क्यों मिलाया इसके साथ गले, ही आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं अभी के टाइम पे देखा जाए तो, आपस में ही लड़ रहे हैं। बट जो भी है अच्छा हो रहा है, हिप हॉप ग्रोथ हो रहा है, और आज के टाइम पे जब राइवल होते हैं जब भी ग्रोथ अच्छा मिलता है, क्योंकि इसके बाद जो अपना टाइम देते हैं वो लोग हिप हॉप के अंदर, वो बहुत मेहनत से टाइम देते हैं और उसके अंदर वो अच्छा निकाल देते हैं, तो अभी के टाइम पे भाई अच्छा हो रहा है। सही है, राइवल होना भी बहुत जरूरी है। डर के चल या चल के डर, सिर्फ इतने बार्स मेरे करे छोटे हाफ मर्डर। हाँ ब्रदर, चलते गाने मेरे मुंबई से दिल्ली तक, साथ यार मेरे मुंबई से दिल्ली तक, करते काम बेटा मुंबई से दिल्ली तक, बोलते नाम मेरा मुंबई से दिल्ली तक, चलते गाने मेरे मुंबई। और एमी वे भी पूरा भाई कोऑर्डिनेशन देखो भाई, मैं पॉज कर रहा हूँ, मुझे मालूम है आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि मैं पॉज करके आपको चीजें दिखाऊं। देख कितनी शैतानी ऐसी दिखा रहा है अभी से ही, मतलब कृष्णा को मालूम था कि मैं 2020 में लूंगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह कोऑर्डिनेशन भाई दोनों बंदे की देखो, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है, ऐसा लग रहा है कि दोनों भाई भाई आपस में, लेकिन टाइम ट्रैवल में फिर जाएंगे तो फिर कहेंगे कि ये क्या हो रहा है भाई। भाई मज़ा आ रहा है गाना सुनने में, और गाने का रिकॉर्ड करने का मतलब ही मेरा ये था कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता सकूँ। हेट किसी के लिए नहीं है, इसलिए नो हेट। दिल्ली तक, साथ यार मेरे मुंबई से दिल्ली तक, करते काम बेटा मुंबई से दिल्ली तक, बोलते नाम मेरा मुंबई से दिल्ली तक, सीधा दिल्ली वाला सीन मेरा, मारे दो पैग होंडा में ये निकले लौंडे गेड़ी मारे दो पैग, पुलिस वाले करते चेक चलियो साथ मेरे, थाने मेरा बात मारे पट्टी लात तेरे पूरी रात वेले, बातें करियो ना तू ज्यादा, कट्टा रखे डैशबोर्ड में है तू निशाना, मैं तो जाना माना बता दे क्या है औकात तेरी, एमवीए से एमी वैसे पूछ ले कि मेरे बारे में लोग बात करते हैं, अभी आगे बोलने वाले यही पूछ ले मुंबई में करते बात मेरी। अभी बचकाना रैपर इसको ही बोल रहा था वो कि ये एमी में बंटा है, और अभी कह रहा हाँ हाँ। मतलब यार भाई जब दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है ना, तो वही जो कोऑर्डिनेशन होते ना उसी कोऑर्डिनेशन की वापस आपस में एक दूसरे से मारते रहते, और ये इस गाने में दिख रहा है कि अभी के टाइम में कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। और सबलिमिनल भाई एमी का बनता है हर गाने में कहीं ना कहीं रफ्तार या इसको डिस करता है, और ये तो भाई खुलेआम बोलते हैं ये कृष्णा क्या बोले भाई, मतलब बंदे पागल हो जाएंगे ये गाना सुनेंगे। और अभी के टाइम पे कोई रिएक्शन, मैं तो कह रहा हूँ यार अभी के टाइम पे एमी का बनता है और कृष्णा अपने गाने के खुद ही रिएक्शन कर दे, मजा आ जाएगा। पूरी रात वेले बातें करियो ना तू ज्यादा, कट्टा रखे डैशबोर्ड में है, ये एमी पे बंटा है कोई बोल रहा है अगर देखा जाए तो 2020 में, मजाक कर रहा हूँ, बात करियो मत ज्यादा बोल रहा है भाई। मैं तो जाना माना बता दे क्या है औकात तेरी, एमी वे से पूछ ले मुंबई में करते बात मेरी, जात मेरी असली रैप मेरा सनसनी, तेरी बंदी को कृष्णा पसंद वो चल पड़ी भाई। कब ये गाना आया था, 2017 में आया था शायद। मतलब भाई ये बंदा कृष्णा ऐसा बंदा है हर किसी की गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ता रहता है, अभी जिसके बारे में भी ये बात कर रहा है उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे ही पड़ गया है। पहले देखा हमने मुंह फाड़ की गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ गया था, उल्टा सीधा कह रहा था मुंह फाड़ की गर्लफ्रेंड को, या मतलब भाई ये लग रहा है सिंगल है और ये चिढ़ता है, मेरे को लग रहा है कपल से देख के, इसलिए कह रहे हैं कि भाई हर गाने में मतलब जब ये डिस करता है तो कहीं ना कहीं
एक तो फैमिली मतलब लड़की से कंपेयर करता है अपने राइवल को, और साथ में भाई उसके पर्सनल लाइफ में अटैक करता है, तो यहाँ पे भी पर्सनल लाइफ अटैक करा है, तो मतलब कि भाई ये पुराना सिलसिला चल रहा है कृष्णा का, जो कि हमको नहीं मालूम था, हमको मालूम चला बाद में बीफ के बाद, और उससे पहले भी इतना कोई नहीं जानता था कृष्णा को कि यार कृष्णा इतना खतरनाक सीन कर सकता है। इंग्लिश में सेल आउट इसका एल्बम देखना भाई, फाड़ू एल्बम है। और अभी भी यहाँ पे भाई गर्लफ्रेंड को लेके बात कर रहा है। मैं तो जाना माना बता दे क्या है औकात तेरी, एमवीए से पूछ ले मुंबई में करते बात मेरी, जात मेरी असली रैप मेरा सनसनी, तेरी बंदी को कृष्णा पसंद वो चल पड़ी, हम पधारे सारे डर के मारे भागे, मेरे गाने गुनगुनारे मचा डाले फिर वो खलबली, देसी रैप है नसीब में, रिप्रेजेंट नई दिल्ली मेरे पीठ पे, सिर्फ जीतते हार न कभी सीखे, सारे नाम को चीखे, गाने रहते हैं जीत पे, चलते गाने मेरे मुंबई से दिल्ली तक साथ। एमवीए भी बोल रहे हाँ मुंबई से दिल्ली तक तेरे गाने चलते हैं, अभी पूछेंगे तो अभी कहेगा पचकाना रैपर है ये। यार मेरे मुंबई से दिल्ली तक करते काम बेटा, मुंबई से दिल्ली तक ओ गले भी मेरा, मुंबई से दिल्ली तक चलते गाने मेरे, मुंबई से दिल्ली तक साथ यार मेरे, मुंबई से दिल्ली तक करते काम बेटा, मुंबई से दिल्ली तक बोलते नाम मेरा, मुंबई से दिल्ली तक। शाउट आउट टू कृष्णा, कृष्णा को भी शाउट आउट दे रहा है। अभी के टाइम पे बोलेंगे भाई कृष्णा के बारे में कुछ बोल, कुछ नहीं बोलेगा, रिप्लाई नहीं देगा, भाव भी नहीं देगा, मतलब यार क्या से क्या हो गया। मैं इसीलिए मैं रिएक्शन वीडियो कर रहा था कि मैं यही सब चीज़ें दिखाने के लिए कि एक टाइम में इतने अच्छे दोस्त थे और अभी के टाइम पे देख लो, व्हाट द फक इज दिस। शॉर्ट आउट दे रहे हैं और आखिरी में भी कुछ बोलेगा कृष्णा के बारे में। मुंबई से दिल्ली तक साथ यार मेरे, मुंबई से दिल्ली तक करते काम बेटा, मुंबई से दिल्ली तक बोलते नाम मेरा, मुंबई से दिल्ली तक कृष्णा, मुंबई से दिल्ली तक मुंबई का संजय दत्त में खत्म। अभी अभी आएगा, अभी आएगा। हाँ मैं मुंबई से दिल्ली तक मुंबई का संजय दत्त में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे एमी भाई बंटाई को जिस तरह 1.5 लाख हो गया, अब लोग ऐसे 1.5 लाख, 1.5 लाख हो गया, लेकिन इसको अभी नहीं पता, वापस ये टाइम ट्रैवल में जाएगा अपने पास्ट में, तो कहेगा भाई जो मेरे सब्सक्राइबर 10 मिलियन से ज्यादा हो गए, सबसे नंबर 1 रैपर चल रहा है भी इंडिया के अंदर जिसके इतने सारे सब्सक्राइबर है। यार मजा आ जाता अगर कोई टाइम ट्रैवल वाली मशीन होती तो। बाहर हो गए सब्सक्राइबर्स, और हर दिन के मेरे इंस्टाग्राम के अपडेट्स के लिए फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब कर रखा है भाई, अंडरस्कोर बंटा है, और मेरा अगला ट्रैक भी कुछ आने वाला है सरप्राइज, बहुत जल्द मेरे इंस्टाग्राम। सरप्राइज देने की आदत अभी तक छूटी नहीं, मतलब स्टार्टिंग से ही भाई सरप्राइज देता आ रहा है बंदा, अभी भी 2-3 सरप्राइज फेंक दिए यहाँ पे, एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे आपको वहाँ पे और कुछ अपडेट्स मिलेंगे। MEWay37 एंड हाँ शाउट आउट टू कृष्णा, कृष्णा ऑफिशियल के चैनल को भी सब्सक्राइब करो भाई, बहुत खतरनाक आर्टिस्ट यार, मतलब ऐसे अच्छा नहीं लग रहा कि बोल रहे कि भाई कृष्णा भी बहुत अच्छा रैपर है, अभी क्यों नहीं बोल रहा भाई ये सारी चीजें, कम से कम भाई रिप्लाई दे दे यार उसके गाने का, नहीं तो हर कोई बोल रहा है कि भाई कृष्णा ने फाड़ दिया एमवीए की, रिप्लाई देगा तो मजा आएगा, बट यार एक बार ये चीज मैं दोबारा सुनना चाहूंगा यार। फेसबुक ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे आपको वहाँ पे और कुछ अपडेट्स मिलेंगे। MEWay37 एंड हाँ शाउट आउट टू कृष्णा, कृष्णा ऑफिशियल के चैनल को भी सब्सक्राइब करो भाई, बहुत खतरनाक आर्टिस्ट दिल्ली से, शाउट आउट टू ऑल द रैपर्स फ्रॉम मुंबई एंड दिल्ली, एंड बिग अप्स टू ब्लैक एसिड प्रोडक्शन, इतना अच्छा उन लोगों ने काम किया है। EM247 पीस, या पीस भाई पीस, मैं भी कह रहा हूँ पीस आउट भाई, किसी आर्टिस्ट के लिए कुछ भी हेट नहीं, यहाँ पे ये गाना सिर्फ और सिर्फ था फनी कॉमेडी एंटरटेनमेंट के लिए, और यही बोलूंगा कि भाई कम से कम कोलैबोरेशन नहीं हो तो कम से कम एक ऐसा हो जाए जिससे कि हम लोगों को पता चल जाए कि भाई इन दोनों के बीच में अब कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर दोबारा कृष्णा गाने निकालेगा, फिर दोबारा कहने के एमवीए को घसीटेगा, फिर एमवीए कहने के सबलिमिनल कहने के घसीटेगा, बट जो भी है गाना सुनने में मजा आया, और भाई ये गाना सेव करके रख लो, वो तो अच्छा है भाई, एमवीए बंटाई ने बीफ के बाद इस गाने को डिलीट नहीं किया या फिर अपने चैनल से हटाया नहीं, बंदे ने अच्छा है भाई, बंदे ने कम से कम सेव करके रखा कि पब्लिक भी जाने की भाई पहले हम दोनों पहले दोस्त थे, और कोऑर्डिनेशन भाई गाने के अंदर बहुत प्यारी लग रही थी, बस यही मैं पहुंचाना चाहता था, यही मैं बोलना चाहता था आप लोगों के साथ, बाकी यार बाय बाय एमवीए बंटाई की जो पब्लिक है हमेशा सपोर्ट करते रहे एमवीए बंटाई को, और कृष्णा की जो अबाम है KR$ मालूम है ना, एमवीए बंटाई मालूम है ना, मतलब नाम भी दोनों के एक साथ ही ले रखा है दोनों ने, तो वही मैं कह रहा हूँ आप लोगों की कि भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो अपने अपने आर्टिस्ट को, और साथ में थोड़ा हमको भी सब्सक्राइब कर दो, हमें भी थोड़ा सपोर्ट कर दो, मजा आ जाएगा, बाकी जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।